जी रोमियो। हाँ बोलिए प्रभु। अरे बहुत देर से तुम लोग का रोमांस देख रहे हूँ, क्या मीटर की तरफ भी ध्यान दे, नहीं तो मीटर का भी लाफा पड़ेगा। हाँ तो बोलिए ना, आपके मीटर का पैसा कितना हुआ? 300। 300? अब पागल हो गया क्या? अरे हमने टैक्सी से उतरते मीटर देखा था, वो तो 60 रुपए की आवाज लगा रहा था। रोमियो मीटर छोड़, लगेज का लगान नहीं देगा क्या? 300। लगान की क्या बात कर रहे हो भाई, जितना कानूनन बनता है बंदू उतना ही तो लोग है ना। देर छाने, मेरे को कानून सिखाना नहीं, समझाना, मेरी खोपड़ी बहुत गर्म है। तो गर्म है तो उसको बर्फ की सिल्ली में रखे ना बंदू। ए लाल शर्ट, तू हवा मोड़ना बंद कर, 300 रुपए मेरे हाथ में जोर हवा दे, चल हवा आने दे। जरा इधर आइए, आइए इधर। हमने कौन सी इनकी हवा रोक रखी है जो है बोल रहे हवा आने दे। झोपट डालूंगा, फिर डालूंगा ना, फिर कंप्लेन नहीं मांगता अपने को। अरे क्या कर रहे हो यार, देखो हम कोई बच्चे हैं जो अब हमको घुमा रही है। कोई लड़की है जो फिर आएंगे। वसूली तो अपन करके ही छोड़ेगा, समझा ना। ये टैक्सी चलाने से पहले अपन हफ्ता वसूली का ही काम करते थे, क्या पापड़िया भाई, किसको भी पूछ ले। मोहल्ले में आकर तो 1 मिनट हुआ है, ये कौन से हफ्ते की बात कर रहा है? पता नहीं बंदू क्या बोल रहा है। देखिए पहले आप आए, लगान की बात की, फिर हफ्ता। देखिए आप जिस स्कूल की केजी में पढ़ रहे हैं ना, आप उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं। क्या स्कूल केजी प्रिंसिपल की बात कर रहे ला यार, मैं समझा ना है। अरे हम जहाँ पहुँच चुके हैं ना, आप वहाँ सोच भी नहीं सकते पहुँचने की। मेरे खोपड़ी के लेवल के ऊपर की बात करना नहीं, समझाना, सीधे बात कर इंसान की तरह। बात तो हर मंकी माइंड में आने वाली नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, इनसे तो हम भी तमीज से बात करते हैं। ये बताइए क्या आपको अपनी हड्डियों से प्रेम नहीं है क्या? अबे तेरी हड्डी तोड़ के तेरे हाथ में दूंगा, घर तक चबाते हुए जाएगा देखना। सड़े अंडे का डबल हाफ फ्राई, गुमनाम शहर के झूलते मीनार, ढीले पापड़ की पैदावार, टकले की टाल, खरबूजे की खाल, बिन पत्ते की डाल, मारू एक कान के नीचे आवाज आएगी तेरे नाक के नीचे, बदबूदार छेले फटेले थैले मेले कुचले, तेरी यह मजाल के तोपुन के साथ खेले। भाभी उड़ा लेना, उतर दे चले, उतर और कितना पैसा चाहिए भाई आपको? कितना दूं पहले मेरे को बोलो। एक काम कर, जितना जेब में निकाल सब। हाँ निकाल, बहुत दिन हो गया गुंडागर्दी का पैसा नहीं खाया। हाला ये चेन बहुत चमक रहा है तुम्हारा, ले हाला। घड़ी तू नहीं, ऐसा ही तू साला दो घड़ी का मेहमान, तुझसे घड़ी क्या लेंगे? और कोई हुकुम? अरे तुमको कहा था ना सामान घर के अंदर रखो। भाभी खूब पहचाना। हाँ। ये टैक्सी चलाने से पहले अपन कुली थे। हाँ, शक्ल से लगते हो। कोई बात नहीं, काम करिए, ये जितना सामान इसको अंदर पहुँचा दो, और 5 रुपए का भी खोटी हुआ ना तो टैक्सी 50,000 रुपए के लिए गिरवी रख लेंगे हम। नहीं भाजा, मेरे को कंटाक फंटाक संटाक सब याद है, ये मैं अंदर लेके आऊंगा, आपके घर में झाड़ू मारूंगा, कटका मारूंगा, किचन साफ करूंगा। अबे सुन बे, टॉयलेट अबे सुन बे, सराफत से रहोगे तो ये पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा हमको, जाके सामान अंदर रख लो, ठीक है? अबे ड्रामा मत कर बे। क्या मारा है, बहुत मजा पड़ी गई भाई। पड़ी गई ना एकदम। हाँ तो नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। हाँ। वो भाई साहब जी, पहले तो आप उसको वो बंधु और सब कह रहे थे जी, और अब जो हमने देखा वो कुछ और ही देखा नहीं। हाँ। तो पहले हाँ। कौन था और अब कौन है? हाँ। दरअसल जो पहले आपने देखा हाँ। ना वो हम अभी है, और अभी आपने जो देखा वो हम पहले थे, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी हम जो है वो तो कुछ और है, यानी मतलब क्या, वो तो कुछ और है ना। हमारा ऐसे ही है, हम जिसको देखते हैं वैसे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए गुजराती है तो हम इनको बोलेंगे कि हम तो ठीक छो, सब बढ़िया छो। अरे वाह, अच्छा ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। अरे वाह, मस्त पड़ोसी आए हम लोग के बाजू में। अरे अंजू, आती हूँ बाबा। क्यों लाउड स्पीकर की तरह चिल्ला रहे हो? मैं नहीं, तुम्हारा कुकर चिल्ला रहा, जाकर बंद करो। अगर तुम बंद कर दोगे तो क्या मर्दों की मूछें नीची हो जाएंगी? बिल्कुल, अगर औरतों का काम मर्द करना शुरू हो गए ना तो वो पाताल से भी नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, बाथरूम में मर्दों की पीठ मले औरत, आधी पगार में पूरा महीना घर का खर्चा चलाए औरत, कर्जदारों की गालियाँ खाए औरत, और जरा कुकर बंद करने की बात आई तो ये औरत की बात है, ये मर्दों के काम है। व्हाट इज दिस? वाह, तुम तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह चढ़ती ही जा रही हो। बंद करो अपना मुंह और चुपचाप कोने में पड़ी रहो, समझी? क्यों बंद करूं? क्यों कोने में पड़ी रहूं? क्योंकि पसीना बहाकर नोट कमाना मर्दों का काम है, और सिर्फ माचिस जलाकर खाना पकाना और फटका मारना औरतों का काम है, समझी क्या? ए, देखो जी, अगर इस तरीके से मुझे गिरा कर बात करोगे ना तो सारे घर के कामकाज तुम्हारे सर पे थोप दूंगी। बाप रे, क्या तेवर है। इसलिए कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की के साथ कभी शादी मत करना। अरे ये तो बहुत मुश्किल हो गई। एक्सक्यूज मी प्लीज, हमारा नाम झुमरी है, आपकी नई नई पड़ोसन। कौनो डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? जी कहिए। अब का बताएं? क्या बात है? का कहे, हमार नलवा में पानी नहीं आ रहा है। हरा रो, कैसे आएगा पानी? पानी तो इधर 6 बजे आते है, 10 बजे चला भी जाते है। का फंटास्टिक,
पर हमसे तो मकान मालिक वा कहते रहे कि 24 आवर पानी आवत है। अरे वो जाड़िया जिंदगी में कभी सच बोले ही नहीं है। हमेशा ऐसे झूठ बोल के वो किराएदार को फंसे थे और बाद में 2-3 दिन में लेट हुआ ना किराए देने में तो ऐसे फुटपाथ पे लाके फेंक देते। इफ यू डोंट माइंड हमको दूई हंडा पीने का पानी मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। थैंक्स। अर्ली मॉर्निंग आपको आपके हस्बैंड के साथ देखा, अच्छा लगा। मेड फॉर ईच अदर। आपकी लव मैरिज हुई है क्या? वो कहा है ना कि हम है बनारस के, हमारे सजनवा है बिहार के। रोमांस किया ताजमहल माँ, लव मैरिज किया लखनऊ माँ और पहुँच गए मुंबई माँ। है ना फंटास्टिक। अरारा इसकी भी लव मैरिज है, दोनों झगड़ा करते हैं 2 मिनट में सुलह हो जाते हैं। अरे पति पत्नी का झगड़ा टंटा तो होता ही रहता है, इसमें भी एक स्पेशल फायर है, नशा है। आप लोगों की भी तो शादी हो गई है, आपको नहीं मालूम का? अभी हम लोग का तो ऐसा है ना कि ओ आवत है सजनवा, काहे होवत हो गरमा। ये झुमरी नाम बड़ा सूट करता है आप पे। हाँ मस्त नाम है, है ना? वो का है ना कि हम हमेशा झूमते रहते हैं, इसलिए सजनवा ने बड़े प्यार से नाम रख दिया झुमरी। हाँ आप जाइए ना, पानी हम ले आएंगे। अच्छा ठीक है, मिनट है। चलेगा चलेगा। हमरे उम्र के नौजवानो खाना पकाना ओ दीवानो। डार्लिंग हल्दी कहाँ रखी हो? वो लाल डब्बा में रखी है वहाँ। ओके। अरे ओ सजनवा। हाँ बोलो। हमारी पसंद का गाजर का हलवा बनाना मत भूलियो। अरे गाजर का हलवा, अरे हम तेरे लिए पालक का पनीर बना रहे हैं, वो भी मलाई मार के। ओ सजनवा बोला वेरी स्वीट, हम तनिक पानी लेकर आते हैं। सुनो जल्दी आना, हमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। कैसे हिले पटना हिले कलकत्ता हिले ला हो तोरे लचके जब कमरिया हाथ सारे। अरे इका हम आई के पानी ले लेते हैं। कोई बात नहीं, आप आए हम आए एक ही बात है झुमरी जी। मैं आऊँ अंदर इसे रोकने को? अरे नहीं नहीं तकलीफ नहीं करो, आप बैठो। हाँ आप बैठो। बोलो सजनी। स्पेशल चाय बनाओ। लगता है इसने अपने पति को अपनी उंगलियों पर रखा है। मैं तो ललिता पवार की तरह है ना कैरेक्टर भाप सकती हूँ, मेरे हिसाब से है ना ये मेम साहब के नखरे बोते। ओ सजनवा चाय जल्दी लाओ। आगे हम लोग अभी अभी आपकी तारीफ ही कर रहे थे। आपके घर में खाना आपके पति बनाते हैं? अरे नहीं नहीं ये सब मूड पर डिपेंड है, हमारा मूड हो तो हम पका दे, वही का मूड हो तो वो पका दे। मर्द खाना बनाए बहुत ताजुब की बात है। इसमें ताजुब की कौन बात है, अरे पुराने जमाने में बैठी 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 है पुराने जमाने में। नमस्कार, राजा महाराजा क्या खाना कौन पकाते थे? आए? खान सबाई तो पकाते थे। और आज भी देखिए ढाबे से लेकर 5 स्टार तक खाना कौन पकाता है? मरद पकाता है। ए झुमरी तोरे लिए विचार लाए। अरे फंटास्टिक थैंक यू। अरे अरे क्या चाय बनाई आपने, बहुत बढ़िया है। अरे आप एंजॉय कीजिए, हमको तो औरतों से आशीर्वाद लेने में मजा आता है। क्या बताए सिर्फ चाय ही नहीं, हमारे सजनवा तो खाना भी ऐसा पकाते हैं कि खाने वाला खाने के साथ प्लेट भी खा जाए। अरे अरे फिर तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और गाजर का हलवा तो ऐसा बनाते हैं कि उंगलियां चाट जाए। और दुधिया की तो बात ही मत करो झुमरी। माना कि हम तोरे सजनवा मगर इतनी तारीफ मत करो, लगता है करंट हुआ। देखिए हाँ। वैसे भी औरतों की सेवा करने में मर्द का है ना अपना स्वार्थ होता है, वो ऐसे है कि बेस्ट स्ट्रांग हो तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग होती है ना। नहीं नहीं हाँ अभी संसार जो है उसको औरत को चलाना है तो उसका स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है ना, ऐसा हमारा फिलॉसफी है। बिल्कुल सही बोले आपने, ये जो अभी बिल्डिंग वाली बात बोली ने एकदम बराबर है। एक मिनट खाना चल रहा है। हम इजरा एक मिनट और कुछ लेंगे आप लोग? नहीं बस बिस्किट है ना, मेरे बच्चे लोग ये खाएंगे। तो एक डब्बा घर पे भेज दे। नहीं 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 कुछ नहीं, मैंने बोले तो भेजते हैं बिस्किट का। बहुत किस्मत वाली हैं हम झुमरी जी। देख देख ताजमहल को देख, बढ़िया है। चलते उधर चलते। ये उधारी का राशन पानी से पेट भर के गेट ऑफ इंडिया घूमने के लिए, किधर है मेरा पैसा? किधर है? दे देंगे भाई साहब जल्दी दे देंगे। बन देगा कब? आज देगा कल देगा परसों देगा, रोज झूठा झूठा वादा करता है तुम लोग। देखो बाबा हमारा प्रॉब्लम समझो, हम लोग को भी टाइम पे पैसा मिलता नहीं, हम लोग करे क्या बाबा? एक तो तुम लोगों का टाइम पे पैसा मिलता नहीं है, उधर मेरा सेठ है ना रोज नए नए टेप का गाली दे के मेरा दिमाग खाता है। 2 महीने का बिल है ना 2 दिन के अंदर नहीं देगा ना तो तुम लोग का टाइम बहुत खराब आने वाला है। ऐसा बेशरम औरत लोग है, तुम लोग का जिंदगी पे थू है थू। अरे क्या हो गई हम लोग की जिंदगी? नहीं कर्जदार एक के बाद एक आता रहता है इधर, रास्ते में अभी चलना मुश्किल हो गया मेरा तो। क्यों? अरे किधर भी ऐसी जाती हूँ ना एक मुंडी बात निकल दिया पैसा ला, मैं तो ऐसे चलती हूँ ऐसे। मीना ओ मीना
अरे झुमरी जी, सारी मंडली यहाँ जमा है, फंटास्टिक। अरे आप लोग इतना टेंशन में का है? क्या बताएं झुमरी जी, हाँ? हमारे पति जो कमाते हैं ना, वो घर में पूरा ही नहीं पड़ता किसी तरह। अरे मर्द लोगन की कमाई पूरी नहीं पड़त तो तुम लोग भी काम करो ना। हाँ ये आज की आवाज है। अरे हमका देखो, 7,000 रुपया महीना कमाते हम, उसमें घर भी चलाते हैं, बच्ची को भी पढ़ाते, और हमार सजनवा के 10,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं। वाह, आप तीनों जॉब काहे नहीं करत, सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। झुमरी जी ने आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है। हाँ। लेकिन विमला, हमें नौकरी देगा कौन? अभी जिसने नौकरी का आइडिया दिया उसी को पूछते। सुनिए ना, आप हमें अपनी कंपनी में कोई नौकरी दिलवा दीजिए ना। हम क्या सोच रही हैं आप? आप लोग सचमुच काम करेंगे ना? करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ना। तो ठीक है, कल हम अपनी कंपनी से फॉर्म लेकर आते हैं। अरे आ गए तुम लोग, मैं ओरखान कराती हूँ। ये हमारी नई पड़ोस है झुमरी बेन, और झुमरी बेन ये हमारे पति लोग हैं। जी मैं अंजलि का पति हूँ विजय। अच्छा अच्छा, ये मेरी बीवी है अप्पू खोटे, और ये रवि है मेरे पति। हाँ नमस्ते, क्या काम करत हो? हम लोग सब वरुण मोटर्स में मैकेनिक का काम करते हैं। मैकेनिक नहीं, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं। मैकेनिकल इंजीनियर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई बोलने में। कोनो बात नहीं। आपके पति क्या करते हैं? हमरे पति तो वही, देखो ना, और हमरे पति अभी भी के कपड़े धो के आया, बड़ा मजा अटरिया पे लहंगा चोली सुखा रहे। धोबी भाई हैं क्या? क्या बकते हो? क्या कुछ भी बोलते हो तुम भी। मालूम है इनका पति इनके प्यार में घोर का सब काम करते हैं। घर में वो खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, बाद में इसी भी करते हैं ना। यानी औरतों के सारे काम कर लेते हैं, बच्चा भी यही पैदा कर रहे हैं क्या? अरे ओ ससुरी करना आती तो भी पचाड़ मार के पटक दे तो का, कोनो मैनर्स है का नहीं? बुरा मत मानिए झुमरी जी, ये जरा मस्करे खसम के आदमी है, कॉमेडी करते रहते। क्या कॉमेडी 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 है, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ कॉमेडी। अरे इनके लिए कोनो टीचर रखो रे, इनको औरत जात का इज्जत करने को सिखाओ, ब्रेन में गड़बड़ है, वरना देंगे कंटा पे पंडा पे मुंडा। वाह क्या वाह, किसने बुलाया इसको? वो पड़ोसा ने। तूने बुलाई हैं? खाना ने खिलाई? क्या खिलाई तूने? ब्रेन में गड़बड़ है बोलती है, हैं? तेरे को दिखाओ किसके ब्रेन में गड़बड़ है, इधर आ जा। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाद साधि के शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार करो सभी।